News 18, India. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में अपने घर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कहा, समय आने पर जानकारी दूंगा। दरअसल अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी संगठन में जो बदलाव किए गए हैं, उसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं इस तरीके की शुरू हो गई थी। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, हर किसी की निगाहें फिलहाल कमलनाथ पर टिकी हुई है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं कमलनाथ, और इतना ही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा जी। आप इनकार नहीं कर रहे सर? आप इनकार नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो सियासत से आ रही ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी कि अब छिंदवाड़ा से सांसद अपने बेटे के साथ कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं अपने तमाम कार्यक्रम रद्द करते हुए। नीरज, कुछ वजह पता चल पाई है दिल्ली अचानक क्यों पहुंचे, और आप लोगों की ओर से सवाल भी किया गया, कोई सटीक जवाब या कोई संकेत? देखिए बिल्कुल संकेत तो साफ है, सटीक जवाब नहीं दिया गया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन डिनायल भी नहीं किया गया। तो कमलनाथ जैसे नेता, दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के, अगर इस अटकलों को भी खारिज नहीं करते हैं तो यानी कुछ ना कुछ चल तो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया जाता, जैसे हाल ही में विवेक तन्खा की तरफ से साफ किया गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे, लेकिन कमलनाथ ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी होता है तो वो इन्फॉर्म करेंगे, जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर एक्साइटेड नहीं है। सटीक जवाब यह होता कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे, सटीक जवाब यह होता कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे, तो डिनायल नहीं किया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में उनकी मुलाकात या कोई मीटिंग है भी कि नहीं, लेकिन इस वक्त वो अकेले यहाँ मौजूद हैं, नकुलनाथ उनके साथ नहीं आए हैं। महज 15 मिनट पहले यहाँ मीडिया के सवालों का जवाब दिया, न्यूज 18 इंडिया की तरफ से भी सवाल किया गया कि क्या अटकलों को खारिज करते, तो उनका साफ साफ कहना था कि जो जब भी कुछ होगा तो मीडिया के लोगों को बताया जाएगा, वो इन खबरों को लेकर एक्साइटेड नहीं है। तो एक राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे जवाब दिया, देखना होगा कि कमलनाथ का आगे का रुख क्या होता है। और बिल्कुल नीरज, इसके लिए इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कौन सा राजनीतिक भूचाल आता है। लगातार मेरे सहयोगी मनोज शर्मा भोपाल से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, संकट मोचक कहा जाता था कमलनाथ को, अगर किसी को मनाना होता था तो सबसे पहले कमलनाथ को भेजा जाता था, यहाँ तक कि जब बेटे नकुलनाथ जो है चुनावी मैदान में थे तो खुद कमलनाथ जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाएगी? वजह जानने के लिए हमारे साथ अभी के मिश्रा हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमलनाथ से अभी पूछा गया जब वो पहुंचे दिल्ली, तो कहा कि आप क्या बीजेपी में जा रहे हो, तो मुझे इस तरह की कमलनाथ का जवाब, इस तरह की कोई जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, दाल में कुछ काला है क्या? माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस की पार्टी और नेहरू गांधी परिवार की वफादारी से सहयोग करते हुए अपनी राजनीतिक जीवन शैली का परिचय दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। ये मतलब भरोसा किस बात पर, जैसे भी महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ, मतलब आप अटकलों का बाजार तो गर्म है। कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को महाराष्ट्र से मत जोड़िएगा। क्या अलग है? वफादारी की वो एक परिभाषा है, यही उनके व्यक्तित्व को एक अलग। मनोज, ये सवाल भी किया जा सकता है कि नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कांग्रेस वर्ड हटा दिया है, इसका कोई सटीक जवाब मिल पा रहा है कांग्रेस की तरफ से? जो हमारे पूछना चाह रहे हैं प्रशांत, पूछ रहे हैं कि नकुलनाथ ने अपने एक्स जो सोशल मीडिया हैंडल है उससे कांग्रेस शब्द नहीं है उसमें?
वह उनका व्यक्तिगत मसला है या कोई राजनीतिक संदेश का कारण नहीं है। के मिश्रा जी से बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस दफ्तर के सामने मैं खड़ा हूं। कांग्रेस दफ्तर के सामने अभी भी जो पोस्टर हैं उनमें कहीं कहीं कमलनाथ के पोस्टर हैं, साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंगारे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और ये हमेशा, यकीन हमेशा राजनीति में यही होता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये तस्वीरें साथ में जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, गृहमंत्री अमित शाह। अधिवेशन की शुरुआत हुई थी लेकिन आज की समापन जो है वो हो चुका है और अब यहां पर राष्ट्रगान होता हुआ, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जब अधिवेशन में पहुंचे थे उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि देखिए हमें बहुत जरूरत है, हमें लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि आखिर केंद्र सरकार ने जो है जो भी काम किए हैं वो जनता की भलाई के लिए किए हैं। बीजेपी अधिवेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चारण के बाद वहां पर झंडारोहण किया गया पीएम मोदी की तरफ से और बीजेपी अधिवेशन में पीएम मोदी ने यहां पर झंडा फहराया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अधिवेशन में पहुंचे और उन्होंने एक सटीक जो है मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को की कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, जनता के बीच में जब आप लोकसभा चुनाव से पहले जाएंगे तो आपको यह समझना होगा कि आप केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको लोगों को यह बताना होगा कि चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे नौकरी की बात की जाए, हर किसी के बारे में जो हम लगातार सोचते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए या फिर लगातार जो है हर योजना का जिक्र पीएम करते हुए नजर आए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, नीरज और मेरे साथ मनोज शर्मा लगातार बने हुए। नीरज का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। नीरज, जरूर जो है मध्य प्रदेश के तमाम नेता आज ये कह रहे हैं कि भाई देखिए व्यक्तिगत है, एक्स से हटा लिया कांग्रेस तो क्या हो गया, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि राजनीति में जब किसी ने एंट्री कर ली तो कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है। पहले महाराष्ट्र में झटका लग चुका है और अब अगर कमलनाथ जाते हैं तो ये बात सच है कि कांग्रेस के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं डोर जो है वो कमलनाथ ने संभाली हुई थी। देखिए बिल्कुल, पिछली बार कमलनाथ के हाथ में डोर थी लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीटें थी, उत्तर प्रदेश में भी एक सीटें थी, लेकिन कमलनाथ का लोकसभा चुनाव से पहले जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। जो एक सीट पार्टी जीती थी वो भी मुश्किल में होगी क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत फिर सुनिश्चित हो जाएगी। अगर कमलनाथ या उनके बेटे चुनाव में लड़ते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में दोनों शामिल होते। दूसरी अहम बात देखिए, कमलनाथ के बयान से एक बात और साफ है कि वो भी चाहते हैं कि अटकलों पर विराम न लगे, यानी बहुत कुछ चल रहा है। कमलनाथ का तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके दिल्ली आना ये बताता है कि बहुत कुछ चल रहा है। वो नाराज भी हैं, वो चाहते हैं कि अटकलें चलती रहीं। अब देखना होगा कि पार्टी की तरफ से या थोड़ी देर बाद कोई आता है कि नहीं, उनसे मिलने या फोन पर संपर्क किया जाता है कि नहीं। कुछ एक दो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कमलनाथ के समर्थक भी। आपका नाम कहाँ से है? भरत मदन पांडे। कहाँ से हैं? पन्ना, जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़े हैं। ओके, पन्ना। तो पन्ना में तो कमलनाथ जी रहेंगे, यहाँ नाराज चल रहे, क्या लगता है आपको? क्योंकि अटकलों को तो खारिज नहीं किया है अभी, तो उनका कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन जैसा वो करेंगे, सीनियर नेता हैं, जो कहेंगे वो अच्छा ही करेंगे और जो करेंगे हम उनके साथ हैं। तो साथ है, कांग्रेस में रहना चाहिए या बीजेपी में जाना चाहिए, क्या कहते हैं? हम तो माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं, कमलनाथ जी के ही समर्थक है, जैसा हमारे नेता जी करेंगे। आप लोग को उनकी तरफ से कोई हिंट दिया गया अभी तक? अभी कुछ नहीं दिया गया। आप कैसे आ गए, यहाँ क्यों आए हैं? आए हमारे नेता है, नेता से मिलने आए हैं कि हमारे नेता है, मुलाकात करेंगे, जैसा वो कहेंगे उनके साथ से हम काम करेंगे। यानी जैसा कमलनाथ कहेंगे उनके साथ काम करेंगे, लेकिन कमलनाथ क्या कहते हैं? उन्होंने तो कह दिया अटकलों को खारिज नहीं किया, अटकलें चल रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। तो कई और समर्थक हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं कमलनाथ के और उनके हर फैसले के साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन मनोज, सबसे अहम बात की ये सियासी बयान आ रहे हैं, जो कुछ आ रहे हैं कमलनाथ की ओर से, आप सियासी नब्ज मध्य प्रदेश के टटोलते रहते हैं लगातार, क्या बड़ी खबर है? क्या महज नकुलनाथ अपने सांसद पुत्र के साथ कमलनाथ आने वाले हैं बीजेपी में, या कुछ और नेताओं के भी चले जाने की अटकलें और खबरें आ रही है?
एक बड़ी खबर प्रशांत, अगर थोड़ा सा पीछे अगर हम चलेंगे तो कमलनाथ के साथ लगातार जैसे कहें कि हम राजनीतिक जो हवा है वो प्रशांत कमलनाथ के साथ नहीं है, क्योंकि बीती बार पार्टी ने जब दोबारा भी उनको मौका दिया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हारी और कमलनाथ के नेतृत्व में हारी, और इसके पहले पार्टी लगातार उनकी बात मान रही थी, उनके कहने पर नेता प्रतिपक्ष बना था, वो खुद पीसीसी अध्यक्ष बने रहे काफ़ी समय तक, लेकिन 2023 के दिसंबर के चुनाव हारने के बाद पार्टी का रुख कमलनाथ के प्रति बदला हुआ है। कमलनाथ की पसंद का जिसे कहें कि नेता प्रतिपक्ष बने तो उमंग सिंगार बने जो कि राहुल गांधी की पसंद है, यहां पर पीसीसी अध्यक्ष बने तो जीतू पटवारी बने जो कि राहुल गांधी की पसंद है, जो इसके पहले कमलनाथ के रहते हुए अपने आप को असर्ट कर रहे थे, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति में हिस्सा मांग रहे थे। तो जाहिर तौर पर कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तो एक तरफ रख दिया, इसकी वजह से कमलनाथ का गुस्सा लाजमी है, जो गुस्सा अगर चरम पर पहुंचा है तो अभी राज्यसभा चुनाव के वक्त पहुंचा, क्योंकि प्रशांत ये चर्चा लगातार चलती रही कि खुद कमलनाथ भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, इस बात को लेकर लगातार पार्टी में चर्चा हुई कि कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब के लिहाज से ऐसा देखकर लगता है, और अभी जो जवाब कमलनाथ का है ये बहुत ही जिसे कहें कि क्लासिकल पॉलिटिकल रिप्लाई है, कि अगर वो चाहते तो एक लाइन में दिन भर से चल रही इन अटकलों को विराम दे सकते थे ये कहकर कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी में जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, यानी वो खुद भी चाहते हैं कि ये अटकलों का बाजार, उनके बीजेपी में जाने की अटकलों का बाजार गर्म रहे। तो क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, खबरों के मुताबिक कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर दिया जवाब, कहा जो भी होगा बताया जाएगा, समय आने पर सब जानकारी दूंगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने अपने आज के पहले तय तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को बताया अफवाह, कहा कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का कमलनाथ पर बयान, कहा कमलनाथ का कांग्रेस से रिश्ता पुराना है, वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच में मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में यकीन करने वालों के लिए दरवाजे खुले। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उनके बेटे नकुलनाथ ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल बदली, एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाया।